एजेस पे जो है जो एजेस पे है बहुत क्रिस्पी सा है और बीच में एकदम सॉफ्ट सा है और स्टफिंग सब जगह है पूरी। एग्जैक्टली क्या चीज बनानी है खाना क्या ये नहीं पता, बट जाना कहाँ है अगला मुझे पता है। शार्क टैंक सीजन 3। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। बाहर के 3 बजने वाले हैं, हम लोग का लंच हो गया है। तो आज मैं कुछ बनाने जा रही थी किचन में, तो मैंने सोचा कि उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आज बनाया था, पहली बार बनाया है गोभी और मटर की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनी है भाई। पहली बार बनाई है मैंने बिना आलू के, तो क्योंकि बहुत दिन से हो रहा था खूब आलू डेली आलू डाल रही थी हर सब्जी में, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा आलू से दूर हो जाते हैं। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग भी बनाते हैं क्या ये सब्जी, मैंने तो पहली बार बनाई है बिना आलू के। और साथ में बनाई है आज बढ़िया खीर, चावल की खीर। चलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मटर की रेसिपी। तो मैं मटर निकाल लेती हूँ फ्रिज से पहले। मटर के साथ मैं क्या बना रही हूँ तो आपको आगे वीडियो में पता ही चल जाएगा, आप बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीछे आप देख रहे हैं ना, बेर और अमरूद रखी है। आज एक लेकर आया था कोई गांव का था, ताजी अमरूद और बेर देख करके तो मुँह में मेरे पानी आ जाता है, बहुत टेस्टी बेर है और अमरूद भी बहुत अच्छी है। ये देसी अमरूद है और देसी बेर है। और आपके साथ आज मटर की रेसिपी शेयर करेंगे, तो बताती हूँ मैं मटर से आज क्या बनाऊंगी। ये हमारा जो रेखा आती है ना, सारी सब्जी ऐसे ही काट कूट के रख के चली जाती, बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है। तो चलिए आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैंने हरे मटर को धो करके एक छन्नी में निकाल लिया है और साथ में हरी मिर्च ली है, 6-7 हरी मिर्च है, और इन दोनों को अब मैं मिक्सी में पीसूंगी। मिर्ची को 2 पीस करके तोड़ तोड़ करके डाल रही हूँ। इसी मिक्सी जार में मैं अब मटर को डाल दूंगी। ये मटर और हरी मिर्च पिस गई है, ये बड़ी वाली सौंफ है, इसको पहले मैं कढ़ाई में भून लूंगी। भूनने के बाद सौंफ का कलर चेंज हो गया है, भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी है सौंफ की। सौंफ भून गई है, इसको मैं एक प्लेट में रख देती हूँ थोड़ा ये ठंडा हो जाए। मैंने फिर से कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है, अब इसमें तेल डालेंगे। मैं मटर और हरी मिर्च जो पीसी थी उसको डाल दूंगी। गैस को धीमा कर देते हैं, सौंफ बिल्कुल ठंडी हो गई, अब इसको फटाफट पीस लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सूखे मसाले डालेंगे, जैसे थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है, थोड़ी सी हल्दी, भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और जो अभी सौंफ भुना था ना उसको भी डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। में डालेंगे नमक, क्योंकि मटर मीठी होती है तो थोड़ा सा नमक, जितना आप डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा कैसा आप नमक खाते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मटर अच्छे से भुन गया है, ये देखिए बिल्कुल ये तली छोड़ रहा है। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। मैंने कढ़ाई से मटर का मसाला एक प्लेट में निकाल दिया जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब मैं लगाऊंगी आटे का डो। तो आप लोग ने गेस तो कर ही लिया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ आज मटर के पराठे, लेकिन मैं स्क्वायर शेप में बनाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो शेप कैसे लाएंगे पराठे में। मैं आटे का डो इसमें लगाऊंगी, तो चलिए मैं इसमें जल्दी से आटे का डो लगा लेती हूँ। और मैं आटे में नमक नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो आटे में नमक डाल सकते हैं। Thank you.
सबसे पहले मैं एक आटे का इस तरह एक लोई ले लेती हूँ और इसको पहले राउंड राउंड गोल कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने पटे में आटा डाल दिया है, इसमें आटा लगाएंगे और इसको पहले बेल लेंगे। बेल लिए, अब मसाला लेंगे मटर का और इसको पूरा इसमें ऐसे फैला देंगे बीच में, ठीक है। पराठे को यहाँ स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो जो इसका ये वाला भाग है इसको इधर ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस तरफ वाले को इधर फोल्ड कर देंगे और इस तरफ वाले को इधर और इस वाले को इधर, इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे दोनों तरफ, फिर इसको धीरे धीरे बेल देंगे, इसको ऐसे बेलेंगे चौकोर में। अब हम इस चौकोर पराठे को तवे के ऊपर रख देंगे। अब आप इस पराठे को बटर से भी सेक सकते हैं, घी से भी सेक सकते हैं या फिर तेल से, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ घी से सेक रही हूँ। ऊपर ऊपर थोड़े से बबल्स दिखने लगे यानी कि उस तरफ सिक गया है। अब इसको पलट लेते हैं, ये थोड़ा सा सिक गया है। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं घी, इसको पलट लेंगे, साइड भी घी लगा देते हैं। गैस की फ्लेम को अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको पलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया फूल रहा है, ये देखिए क्या मस्त फूला ना, गोल शेप में तिकोने शेप में पराठे तो बना ही होंगे। अब आप इस बार ऐसे चौकोर शेप में बनाइए, आपकी फैमिली पराठे का शेप देखकर ही खुश हो जाएगी। इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, ये देखिए ये मटर के पराठे स्क्वायर शेप में, सही में बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, एजेस पे जो है, जो एजेस पे है बहुत क्रिस्पी सा है और बीच में एकदम सॉफ्ट सा है। और इसका ट्रिक ये है जो कि तुमने लगाया, मैं देख सकता हूँ, ये देखो जैसे ये एजेस है और इस बीच में इसका स्टफिंग बहुत सारा भरा है तुमने, और स्टफिंग सब जगह है, हर जगह। हाँ। exactly, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि चारों तरफ इसमें स्टफिंग है, कहीं भी खाली नहीं है। हाँ। और ये हरी चटनी के साथ और टेस्टी लग रहा होगा। अरे भाई रहने दो, मैं तो वर्ड्स ही नहीं है, बहुत टेस्टी है यार। और खीर भी बनाई आज, खीर कैसी है? खीर तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जीवन भी मिठास भर गया। चलो बस हो गया। मेरा स्क्वायर पराठा पास कर दिया गया है, अब दो लोग और बचे हैं तो अभी वो खाएंगे बाद में शाम को। अब मैं शाम को बनाऊंगी, वैसे शाम तो हो ही गई है, 4 बज गया है और मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।